मीठा कैसे लगा? बहुत ही अच्छा, बहुत ही जबरदस्त बना है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। बहुत दिन हो गए हैं कोई मीठा नहीं बनाया, तो चलिए आज बनाते हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त हैदराबादी डबल का मीठा। तो ये हमने ले लिया है ब्रेड, मैंने यहाँ पर 12 स्लाइस ब्रेड के लिए हैं और इसे मैंने चार हिस्सों में एक ब्रेड को काट लिया है। इसके साइड भी आप स्प्लिट कर सकते हैं। फिर मैंने इसे 4 से 5 घंटे पंखे के नीचे सुखा लिया है। आप धूप में भी सुखा सकते हैं या इसे ओवन में भी आप चलाकर सुखा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे बर्तन और इसमें हम लेंगे 70 to 700 ml दूध। आप अपने ब्रेड की क्वांटिटी के हिसाब से दूध कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो फिर हमने यहाँ पर लिया है 7 से 8 कुटी हुई इलायची, छिलके के साथ ही डालना है आपको। फिर यहाँ हम लेंगे केसर, अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप फूड कलर भी चुटकी भर डाल सकते हैं कलर के लिए दूध में। तो दूध को आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए ताकि इसमें केसर और इलायची अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। फिर हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए स्लो आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ हमें दूध को पकाते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम ऐड करेंगे 1/2 कप कंडेंस मिल्क, या आप खोया भी ऐड कर सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा मीठे का। तो आप देख सकते हैं कि हमारे दूध का कलर जो है वो चेंज हो चुका है, केसर की वजह से इसका कलर हल्का पीला हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ काजू और बादाम का पाउडर 2 टीस्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं, पर इसको ऐड करने से एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है खोए का। तो ये लीजिए, हमारा दूध जो है वो बिल्कुल रेडी है। हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा केवड़ा, इससे भी बहुत ही अच्छी खुशबू और फ्लेवर आएगा। तो आइए अब हम अपने ब्रेड को तल लेंगे और इसके लिए हम लेंगे 2 कप रिफाइंड ऑयल और इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी के। आप चाहें तो पूरा घी भी ले सकते हैं, लेकिन मैं रिफाइंड ऑयल में 2 चम्मच घी ऐड कर दिया था, तो उससे भी पूरा फ्लेवर आ रहा था घी का। तो हमारा तेल गरम हो चुका है और हम इसमें डाल लेंगे अपना ब्रेड जो हमने कट करके सुखा लिया था। इसको सुखा के डालने से ये फ़ायदा होगा कि आपका ब्रेड बहुत जल्दी फ्राई हो जाएगा और ये तेल भी नहीं पिएगा ज़्यादा। इसे आपको लो मीडियम फ्लेम में फ्राई करना है। आपको इसे सिर्फ लाइट ब्राउन या बादामी कलर तक ब्राउन करना है। अगर इसे आप ज़्यादा फ्राई कर लेंगे तो इसका फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। फ्राई करते वक्त आपको वहीं पर खड़े रहना है, आप यहाँ वहाँ नहीं हिल सकते हैं, वरना ये जल जाएगा, बहुत जल्दी ही फ्राई हो जाता है। अगर आपने मेरे चैनल पे विज़िट नहीं किया है तो प्लीज़ अपने चैनल पे जाकर और भी रेसिपीज देख सकते हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त और यम्मी तरीके से बनकर तैयार हुई है। तो हमारा ब्रेड यहाँ पर फ्राई हो गया है, देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। और इसी तरह से हम बाकी सारे ब्रेड फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। इसमें आप 2 कप तेल ज़रूर ऐड करिएगा, क्योंकि मैंने 1 कप ऐड किया था और फिर मुझे दोबारा से ऐड करना पड़ा। तो इसी तरह से हमने सारे ब्रेड फ्राई कर लिए हैं और अब चलते हैं बनाने शीरा। इसके लिए मैंने 1.5 कप चीनी ले लिया था और 1.5 कप ही हमने पानी भी ऐड कर दिया है इसमें। अब इसे हमें इतना चलाना है कि इसका पूरा चीनी जो है वो घुल जाए। हमें इसे इतना पकाना है कि इसके अंदर थोड़ा सा स्टिकीपन आ जाए, ज़्यादा चिपचिपा नहीं होना चाहिए, इसमें कोई तार नहीं होना चाहिए। जब तक हमारी चीनी पक रही है तो हम एक बर्तन में ब्रेड जो हमने फ्राई किया था इसे हम फैला लेंगे। तो यहाँ हमने लिया है एक बहुत बड़ा बर्तन जिसमें आप अपना ब्रेड को अच्छी तरीके से फैला लेंगे। पहले आप नीचे एक लेयर लगा लीजिए ब्रेड का और उसके बाद फिर आप उसके ऊपर डबल लेयर लगा सकते हैं ब्रेड का।
तो हमारा ब्रेड यहाँ अरेंज हो गया है, आप देख सकते हैं लेयर लग चुका है और हमारी चाशनी जो है वो पक चुकी है। इसमें हम थोड़ा सा कलर ऐड कर देंगे चुटकी भर। तो आइए अब चेक करते हैं कि हमारी चाशनी किस तरह से तैयार हुई है। इसमें हल्कापन आ चुका है स्टिकीनेस का, इसमें तार नहीं होना चाहिए। तो अब हम चाशनी को इसके ऊपर डाल देंगे। आपको इवनली इसको हर तरफ से डालना है, गरम गरम डालेंगे तो और अच्छा है, बहुत जल्दी ये जज कर लेगा। ब्रेड का मीठा जितना ज़्यादा मीठा होगा उतना ही अच्छा बनता है, इसको हल्का मीठा मत बनाइएगा वरना ये खाने में इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर हम इस पर गरम गरम दूध भी डाल देंगे। हर तरफ से आप इसके ऊपर दूध अच्छे से डाल दीजिए, सारा ब्रेड भीग जाना चाहिए। और अब हम इसे रखेंगे गैस के ऊपर। अब हम इसे पका लेंगे 7 से 8 मिनट के लिए। आप चम्मच की मदद से सारे ब्रेड को अच्छी तरीके से दूध में डुबा दीजिए। तो आप देख सकते हैं दूध बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप खोया और इसको भी इसके साथ पका लेंगे। आप बहुत ही हल्के हाथों से चम्मच को हिलाइएगा, ब्रेड आपके टूट ना जाए। तो आप देख सकते हैं कि खोया बिल्कुल गल चुका है। मैंने इसमें थोड़ा सा ऑरेंज कलर ऐड कर दिया था ताकि इसका लुक और भी अच्छा आए। आप चाहें तो उसे छोड़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ब्रेड ने सारा दूध और चाशनी जज्ब कर लिया है। तो आइए अब इसे गार्निश करते हैं। आपके पास जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, जो भी आपके पसंद के ड्राई फ्रूट्स हैं, आप इस पर ऐड कर सकते हैं। साथ ही में हमने इसमें काजू, पिस्ता, बादाम सब कुछ डाला है और साथ में इसके ऊपर से हमने इलायची भी कूट कर डाल दिया था, उससे बहुत ज़्यादा उसका टेस्ट और उसकी फ्लेवर एनहांस होकर आता है। और साथ में ऊपर से खोया भी ऐड कर लेंगे। जितना खोया आप डालना चाहते हैं उतना आप खोया डालिए, उससे और भी अच्छा फ्लेवर आता है। और डेकोरेशन के लिए हमने इसमें थोड़ा सा चांदी का वर्क भी लगा दिया था, इससे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और इसमें हमने थोड़ा सा ऑरेंज कलर का टूटी फ्रूटी भी डाल दिया है। आप अपने पसंद के हिसाब से जो मर्ज़ी आए वो चीज़ पर डालकर गार्निश कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ था और खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब था। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इसे ट्राई करके मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।